चैप्टर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह हो गई मामू मामू। तो भाई हम हैं कैलाश में और कैलाश का मौसम इतना मज़े का हो रहा था, ठंडा ठंडा सा और बहुत ही मज़े का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सरसाइज कर ली जाए, वैसे तो मैं करती नहीं हूँ। और जी यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मेरे साथ में नमू ने को चेक कर रहे हैं आप। और अब हम निकल रहे हैं चित्राल के लिए। गाड़ी ख़राब हो चुकी है, सामने ट्रक ख़राब हो चुका है और हम यहाँ पर फंस चुके हैं। हम निकल रहे थे चित्राल के लिए और पता नहीं कितना टाइम लगेगा और किस टाइम हम पहुँचेंगे चित्राल। कैसा लग रहा है आपको उमर? मजा आ रहा है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। कोई बात नहीं, वेट करेंगे और अब क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है। सामान उतार रहे हैं वो लोग, और वो लोग अभी सामान उतार रहे हैं और जब वो सामान उतारेंगे फिर आगे जाएंगे। और रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, वन वे है, सामने से गाड़ी आती भी है और यहाँ से गाड़ी जाती भी है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। अब देखते कितना टाइम लगता है। खवारी लग गई। तो 2 घंटे की ख्वारी के बाद फाइनली हम निकल चुके हैं चित्राल के लिए और चित्राल में हमारा 2 डे का स्टे है, इसीलिए हम पहुंचते ही घूमने निकल जाएंगे। और हम फाइनली चित्राल के FC मेस में आ चुके हैं और ये आप रूम चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और जी सबसे पहले मुझे ही रेडी होना पड़ता है और मैं ही रेडी होती हूँ पूरे घर में। तो रेडी होने के बाद हमने खाना वाना खाया और अभी भी मेरे बहन भाई रेडी नहीं हुए थे, मतलब मैं रेडी हो गई थी, वो लोग रेडी नहीं हुए थे। और मैं अब मैं घूम रही हूँ, मतलब आप लोगों को भी तो घुमाना है ना मुझे, और खुद भी घूमना है। तो भाई बड़ा मजा आ रहा था, मतलब वेदर बहुत मजे का था। हो जा जरा मतलब दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कौन कहता है हमारा पाकिस्तान खूबसूरत नहीं है? बेटा अगर आप कभी सवाद से आगे निकलोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। आप लोग कैलाश, चित्राल, गिलगित इन सब जगहों पे जाओ ना, यहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है कराची के लोग ज़्यादातर मरी और सवात ही जा रहे होते हैं, इसके अलावा उनको नहीं पता कि और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरती है। चित्राल का FC मैस इतना बड़ा है कि मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं देखूं या मैं वीडियो बनाऊं। मतलब इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से कि मैं आपको क्या ही बताओगे। मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, मेरा दिल कर रहा है बस देखती जाऊं। इतना खूबसूरत है और इतनी गुड वाइब्स आ रही है ना, इतना रिफ्रेशिंग है यहाँ का वेदर, यहाँ की हवा। और मतलब ऐसा दिल कर रहा है कि अगर आपको लंबी सांस लेनी है ना तो ऐसे सांस लेनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, कराची वाला सीन ही नहीं है भाई। यहाँ पर देखो ऐसी सांस लो, यहाँ पर लंबी सांस अंदर तक देखो ऐसे। ओए होए होए होए, जी हमें कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम आ गए हैं चित्राल की मार्केट में। और यहाँ पर ये चित्राली टोपी हैंडमेड बना रहे हैं और हमने यहाँ से शॉल बाय की और चित्राली टोपी बाय की। शॉल हमें मिली 2500 रुपीस की और चित्राली टोपी 400 रुपीस की। इनके पास एक और थी 1200 रुपीस की जो कि हाथ से बनी हुई थी, लेकिन ये मशीन से बनी हुई है इसलिए ये 400 रुपीस की है। और अब हम जा रहे हैं मारखोर पॉइंट। मारखोर पॉइंट और आप ये मेरे पीछे देखें, ये पूरा दरिया है और इसके पीछे जो ये माउंटेन है यहाँ से आते हैं मारखोर। और अभी हम वेट कर रहे हैं, आते हैं तो फिर देखते हैं।
काफी वेट किया हमने 5 बजे से 6 बजे तक, लेकिन मालखोर हमें नजर नहीं आए हैं। और जो गाइड था उन्होंने हमें कहा था कि शाम के टाइम मतलब मगरिब से आधा घंटा पहले आप लोग चले जाए, तो हम लोग आधा घंटा पहले क्या 1 घंटा पहले आ गए, लेकिन हमें नजर नहीं आए। जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि 3 बजे वो आकर चले गए। मालखोर हमें बहुत ज्यादा ख्वार करवा रहे और अभी हमने पॉइंट चेंज किया, मतलब हमने 2 बार पॉइंट चेंज करा। पहले हम एक पॉइंट पर गए, वहाँ पर हमें मालखोर नजर नहीं आए, फिर हम उससे आगे गए, फिर वहाँ पर भी हमें मालखोर नजर नहीं आए। अभी हम स्टार्टिंग में आ गए कि यहाँ नजर आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहे। आई डोंट नो कहाँ चले गए मालखोर। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का इतना वेट नहीं किया जितना मैं मालखोर का कर रही हूँ। मालखोर यू आर सो लकी मैन। और अब हम वापस से स्टार्टिंग में जा रहे हैं। मैंने पहले अपने भाई को कहा था कि भाई स्टार्टिंग में गाड़ी रोक लो, नहीं नहीं आगे जाएंगे आगे आएंगे। वो ड्राइवर कहता आगे आते हैं आगे, आगे तो बिल्कुल भी नहीं आए। लेकिन हम फिर से स्टार्टिंग में आ गए और फाइनली ये देखें हमें मालखोर नज़र आ गए। लेकिन ये मालखोर के बच्चे हैं, ये वो वाले मालखोर नहीं है जो बड़े वाले मालखोर होते हैं ना, ये वो नहीं है। मतलब ये मुझे लग रहा है दूसरी नस्ल के हैं कोई। तो फिर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। आपने पहले बकरे नहीं देखे थे? नहीं मैंने बकरे नहीं देखे थे। आप बकरे देखने के लिए इतना दूर आई हैं? हाँ, क्योंकि ये हमारा नेशनल एनिमल है ना इसलिए। और फाइनली मुझे मालखोर दिख गए। 3 जगह हमने चेंज करी, फिर उसके बाद जाके हमें मालखोर दिखे फाइनली। और इतने करीब से पहली बार देखा था। और अभी बिल्कुल ही मगरिब हो गई है, अब हम निकलते हैं आगे। तो चलो चले। अभी मैं आ गई हूँ कश्मीर बेकरी, और कश्मीर बेकरी का अगर फुल रिव्यू व्लॉग आपको देखना है तो आपको शेफ जबेरा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। कांटा भी।